आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखिएगा पॉइंटर्स इन सी यानी सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स का क्या डेफिनेशन है, क्या डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे और हम समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पॉइंटर्स के कंसेप्ट को, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी हम फीचर्स को भी जानेंगे और कुछ प्रोग्राम्स करके भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसकी डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? क्योंकि पॉइंटर का कनेक्शन मेमोरी के साथ होता है, यानी मेमोरी से हम बहुत क्लोज हो जाते हैं, किसी भी वेरिएबल की एड्रेस को हम क्या करते हैं पॉइंटर के थ्रू हम जान सकते हैं। तो चलिए बिना देर की हम सबसे पहले आपको हम डेफिनेशन दिखाते हैं, इसकी डेफिनेशन और उसको समझाते हैं कि पॉइंटर के डेफिनेशन क्या है। स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला लाइन, द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। बहुत सिंपल वे में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पॉइंटर एक सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल को कहते हैं। अब वेरिएबल से आप अच्छे से फेमिलियर हैं, परिचित हैं कि वेरिएबल जो होता है वो किसी वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, ओके। अब दूसरा लाइन का डेफिनेशन देखिए, द वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंट, कैर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। दैट मींस जो पॉइंटर आप डिफाइन कीजिएगा, पॉइंटर वेरिएबल, वो किस टाइप का होगा? तो यहाँ पर डेफिनेशन में बहुत ही क्लियर वे में लिखा हुआ है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, एरे है, फंक्शन और अदर डेटा टाइप्स का भी हो सकता है। साथ ही साथ ये पॉइंटर के लिए भी काम करेगा। दैट मीन्स अगर आप नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को देखना चाहते हैं तो पॉइंटर के लिए, पॉइंटर के थ्रू आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए कि भाई आप बताएं पॉइंटर के एड्रेस क्या है, तो पॉइंटर के एड्रेस को भी पॉइंटर ही बताएगा, ओके। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ और एनी अदर पॉइंटर, दैट मीन्स पॉइंटर ही पॉइंटर के एड्रेस को बता सकता है, ओके। थर्ड लाइन में आप देखिएगा, द साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर। अब आपसे सवाल है कि पॉइंटर का साइज क्या है, तो ये डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर पे। नॉर्मली 32 बिट आर्किटेक्चर जो होता है उसमें पॉइंटर का साइज 2 बाइट होता है। तो यहाँ पे सिंपल वे में हमने आपको डेफिनेशन क्लियर किया, और इस डेफिनेशन को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो है वो डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर, यानी पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे। स्क्रीन पे देखिएगा आप, तो डेफिनेशन भी लिखा हुआ साथ में, द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग, यानी अगर सी लैंग्वेज में आपको पॉइंटर को डिक्लेयर करना तो आपको ये वाले स्टार यूज करना पड़ेगा, जिसको हम कंप्यूटर लाइन में एस्ट्रिक भी कहते हैं, एस्ट्रिक सिंबल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है इनडायरेक्शन पॉइंटर, ओके। तो कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछे कि पॉइंटर का दूसरा नाम क्या है, तो आप जल्दी से क्या बता देंगे, इनडायरेक्शन पॉइंटर। कभी आपके आपसे वाइबा में पूछा जाए कि इनडायरेक्शन पॉइंटर क्या है, तो वही एस्ट्रिक सिंबल है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसकी कुछ एग्जांपल्स है कि डिक्लेयर कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ सिंटैक्स लिख रखा है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखाएगा, उसके बाद स्पेस देके स्टार देंगे, देन पॉइंटर नेम देंगे, ओके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इंट टाइप का जो है यहाँ पे पॉइंटर, इंट स्टार ए, कैर स्टार सी, ये कैरेक्टर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू कैरेक्टर है, यहाँ पे पॉइंटर टू इंटीजर है। बट इसके दूसरे स्टाइल भी डिक्लेयर करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखे हैं दूसरे स्टाइल, इंट के जस्ट बाद स्टार भी आप लगा सकते हैं, फिर आपको पॉइंटर का नाम दे सकते हैं, इंट के बाद स्पेस दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं। आप कर्सर पे फोकस कीजिए, इधर उधर आप नहीं देखें, इंट के बाद आप स्टार स्पेस लगा के स्टार दीजिए, फिर स्पेस लगा के आप पॉइंटर का नाम दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए डिक्लेरेशन के बाद फिर आती है बारी इनिशियलाइजेशन की, कि भाई पॉइंटर में हम वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करेंगे। अब आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर यूज कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। पॉइंटर हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी वेरिएबल जो हम अपने सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखा है, आप जानना चाहते हैं ये के प्रोग्राम मेमोरी में ये वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है, यानी मेमोरी के एड्रेस को बताना, और हम उसके थ्रू यानी पॉइंटर के थ्रू हम जान सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन क्या है इसकी। ये यहाँ पे लिखा हुआ इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर, ये यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल हमने लिया, उस नॉर्मल वेरिएबल में हमने वैल्यू डाला, वैल्यू क्या है 50, दैट मीन्स ए इज कंटेनिंग 50, यानी ए वेरिएबल में आपका जो वैल्यू है 50 है। दूसरे लाइन में हमने एक पॉइंटर को डिफाइन किया, और ये पॉइंटर किस टाइप का है, आप देखिए इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ओके।
अब नीचे लाइन का है, ये लाइन ही आपको डिस्क्राइब करेगा, बताएगा इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर, पी इक्वल टू एम परसेंट, इसको हम कहते हैं एम परसेंट कहते हैं। एम परसेंट के बाद अब कोई भी नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे तो इसका जो ए का जो एड्रेस पी में आ जाएगा, याद रहे ए का वैल्यू 50 है, बट पी में आपका ए का वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे, पी में आपका ए का एड्रेस अब आ रहा है। अब एड्रेस क्या है ये तो मेमोरी जनरेट करेगा, मैं और आप नहीं जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का हमने नाम दिया, वेरिएबल का नाम क्या है, ये नॉर्मल वेरिएबल ए जो आपने यहाँ पे लिया है ए, उसके अंदर वैल्यू आपने जो डाला असाइन किया यहाँ पे 50, ये 50 आ गया। अब ये जो हमने लिखा ये आपका एड्रेस है, ठीक है, इसको हम एड्रेस कह सकते हैं। अब ये एड्रेस आया कहाँ से, ये मेमोरी जनरेट किया, हम लोग नहीं जनरेट किए हैं, मेमोरी का काम है जनरेट करना, चूंकि मेमोरी में होता है क्या, जो भी चीज़ें आप टाइप करते हैं, आप सोर्स कोड में लेते हैं या कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं, तो सब मेमोरी में स्टोर होता है। तो स्टोर कहाँ हो रहा है, उसकी एड्रेस जानने के लिए आपके पास सी लैंग्वेज में पॉइंटर है। ओके, तो ये इसका 5002 क्या है, इसका इसका एड्रेस है, बट हम जानेंगे कैसे, ये वाला लाइन जब आप लिखेंगे पी इक्वल टू एम परसन ए, तो पी में क्या स्टोर हो गया 5002, बट अभी तक एक यूज़र को नहीं पता है, जब तक हम इसके वैल्यू को प्रिंट नहीं कर देंगे। तो प्रिंट कैसे करेंगे, कैसे कोडिंग लिखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, जब हम आपको लाइव प्रोग्राम करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है फीचर्स, इसकी क्या क्या फीचर्स है वो बताएंगे, और साथ ही साथ इसकी कुछ प्रोग्राम्स होंगे उसको दिखाएंगे, तब आपका जो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने शुरू में टॉपिक बताए थे कि पॉइंटर्स में क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, डेफिनेशन हमने आपको बताया, डेफिनेशन क्या होता, हमने आपको डिक्लेरेशन करके दिखाया कैसे डिक्लेयर करते हैं और कितने स्टाइल में आप कर सकते हैं, आपको हमने तीन तरीके का, दो से तीन तरीके से हमने आपको बताया कि पॉइंटर को हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। जब डिक्लेरेशन हो जाती है तो पॉइंटर में वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, तो हमने वो भी करके आपको दिखाया। और नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है, दैट मींस जो भी चीज़ें अगर टॉपिक आप समझते हैं उसको अगर ग्राफ्स के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू अगर आपको समझाया जाए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जनरली सी जो लैंग्वेज है ये सेमेस्टर वन में ही डाला जाता है, तो स्टूडेंट जो है सेमेस्टर वन में मैक्सिमम स्टूडेंट सी से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं, तो इस तरीके का टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत जो है आसानी कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर में डेफिनेटली आप मेमोरी एलोकेशन सीखेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सीखेंगे, तो अगर आप पॉइंटर पढ़ के जाएंगे तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आप अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर पॉइंटर का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा डेटा स्ट्रक्चर में, आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। इसीलिए आपको ये डेफिनेशन डिक्लेरेशन इसकी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना होगा। ओके, चलिए कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको आपसे हम मिलते हैं, इसकी फीचर्स को लेकर आते हैं और कुछ प्रोग्राम्स करके दिखाएंगे, तो उसके बाद आपकी कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।